हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज मैं मलाई से मक्खन बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। जिस हम चम्मच ले ली है, बस हमें चम्मच तरीके से ही काम करना है। ना हमें मिक्सी का काम है, ना हमें किसी मथनी का काम है। हम इसी तरीके से मलाई को हम फेंटते जाएंगे चम्मच से, और चम्मच से बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं और मक्खन हमारा बन के तैयार हो जाता है। देखिए, तो चलिए मैं देखिए इस तरीके से मैं मलाई को मैं मथती जा रही हूँ। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस चम्मच से इस तरीके से हमें हाथ चलाते रहना है। जैसे जैसे मलाई हमारी फिटती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो मलाई है वो चम्मच है वो हल्की लगने लगेगी। देखिए इस तरीके से हम हाथ चलाते रहेंगे। देखिए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं मलाई को मथते हुए। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद फिर से हम इसे इस तरीके से हम चलाएंगे। हमारी जो मलाई है, मलाई का हम मक्खन एक खट्टा होने लगेगा। देखिए धीरे धीरे एक खट्टा होने लगा है। देखिए मुझे 2 से 3 मिनट फिर से हो चुके हैं, देखिए मलते हुए मलाई को। अब देखिए हमारी मलाई है, जो मक्खन है, मक्खन हमारा एक खट्टा होने लगा है। अब इसमें हम और पानी डाल देंगे। आप चाहो तो आप हाथ से भी मक्खन को उठा सकते हो, वरना चम्मच से भी आप एक साइड कर दें। देखिए हमारा मलाई से मक्खन बन के तैयार हो गया है। और हमें इस तरीके से एक साइड कर लेंगे। और जो मठा है, आप इसे मठा भी बोल सकते हैं, जो इसमें दूध सा निकला है, आप मठा बन के छाछ बना के भी इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसे छाछ को निकाल लेंगे। मैंने छाछ को निकाल लिया है। अब 1 गिलास बाकी से फिर से पानी डालेंगे और हम मक्खन को अच्छे से हम धुल लेंगे, ताकि जो स्मेल वगैरह हो, जैसे कभी कभार आ जाती है, तो हम अच्छे से हम धुल लेंगे। पर आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो वाइट वाइट सजी पानी सा दूसरा निकल रहा है, तो और भी निकल जाए जी। और हम अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए मक्खन को मैंने एक साथ कर लिया है। अब जो पानी बचा हुआ है, इसे भी हम अलग कर लेंगे। हमारा मक्खन देखिए बनके तैयार हो गया है। सारा पानी मैंने निकाल लिया है। देखिए अब इसे हम घी में हम रखते हैं इसे चूल्हे पर। भगवानों को देखिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें अब 2 ही मिनट लगेंगे और हमारा घी बनके तैयार हो जाएगा। देखिए मेल्ट होने लगा है हमारा मक्खन। देखिए हमारा मक्खन देखिए खोलने लगा है। देखिए इसे अभी और हम पकाएंगे। अगर आप लंबे समय तक घी को स्टोर करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप 1 चुटकी ये नमक डाल दें इसमें, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या है, इससे घी कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। चाहे आप साल भर, चाहे आप 6 महीने तक भी रखे रहें, तो अभी घी आपका ख़राब नहीं रहेगा। थोड़ा सा और हम पका लेंगे अभी। देखिए घी जब इस तरीके से दिखने लगे, तो हमारा घी बन के तैयार हो गया है। देखिए अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। गैस से मैंने उतार लिया है भगोनी को। देखिए हमारा घी बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।